ଗଙ୍ଗା। ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଗଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ତାର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ପବିତ୍ରତାକୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ତାହାରି କୋଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବେ। मैं नसीब वाला हूँ कि जो गंगा मैया की गोदी में समझ लीजिए पैदा हुआ हो। एक तरह से देखा जाए ना तो जितने भी यहाँ प्रयाग क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग फिलहाल गंगा जी की ही पूजा करते हैं। इसलिए गंगा के सहारे ना हजारों की पेट चलती है सर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने बसिंदे हैं, सभी को गंगा माता भोजन देती है। ऐसा नहीं कि किसी को भूखा सुलाती है, यहाँ पर मांगने वाला भी खाता है आराम से। कहने में आया है कि गंगा जी में 125 मन सोना डेली बरसता है हमेशा रोजाना। जैसे कि कोई डिब्बा नारियल वाला हुआ, कोई फुल्की चाट वाला हुआ, कोई खाना भोजन देने वाला हुआ, कोई नाव वाला हुआ, कोई ऑटो वाला हुआ, वैसा ही समझ लीजिए सर। पंडा हुए, सब उन्हीं के माथे खाते हैं। देखिए गंगा स्नान से पाप धुलता है, ये बात तो माना गया है, लेकिन गंगा दर्शन से भी पाप धुलता है। आप स्नान ना करें, आप गंगा जल ही छिड़क लें, वो बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो एक तरफ से गंगा माता सभी को ध्यान देती है। गंगा मैया से जो भी भेटी मांगता है उसका मुराद पूरी करती है। फिलहाल ज़िंदगी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये मनुष्य का तन एक बार मिलता है, वो भगवान के आशीर्वाद ही समझो। अब दोबारा तो मिलेगा नहीं। लाइफ है, जी लो अच्छे से। और मैं बहुत खुशी, मुझे अभिमान भी है इस बात का कि मैं इलाहाबाद के क्षेत्र में, प्रयागराज के क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। और अब तो फिलहाल इसी क्षेत्र में फिर से पैदा, दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ।